अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त आपको आगाह करें, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया है और इस हवाले से आपको अपडेट करें, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में अब पेश कर दिया गया है। सर ये मैं बेहद मशहूर हूँ आपका और नहीं, आप इसको मूव कीजिए ना, इंट्रोड्यूस कर दें फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट 22। जी सर, सर ये मजीद तमीम करने के बिल फेडरल नहीं, सिर्फ शॉर्ट टाइटल इसका पढ़ दीजिए। सर शॉर्ट टाइटल तो पढ़ा था मैंने, द फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट 22 बी ग्रांटेड, बस ठीक है जी। सर ये फेडरल फंड एम्प्लॉयज एंड ग्रुप इंश्योरेंस तरमीमी बिल पेश करने की इजाज़त दे दी, इजाज़त है? ठीक है जी। द बिल इन क्वेश्चन स्टैंड्स इंट्रोड्यूस्ड, नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नंबर 11। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नॉट प्रेजेंट। आइटम नंबर 12 भी ड्रॉप्ड, 11 भी ड्रॉप्ड। आइटम नंबर 13 शर्मिला साहिबा फारूकी साहब, साहिबा टू मूव आइटम नंबर 13। शर्मिला साहिबा नॉट प्रेजेंट, she's not present, Item number 14 Rana Kasim Noon saab to move item number 15. Rana Kasim Noon saab ji, Rana saab आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सीईओ लेस्को मुजाहिद परवेज चट्ठा ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ब्योपार में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने आज तक बातें बहुत की लेकिन अमली तौर पर काम नहीं कर सके। जब ही आज तमराए बहरान का सामना है, पाकिस्तान में पॉलिसी वो लोग बनाते हैं जिनका एनर्जी सेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। माजी में इस बात पर जोर दिया गया था कि IPPs की जगह थरकोल या डैम्स का इस्तेमाल करके बिजली बहरान पर काबू पाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। हमारे मुल्क की जो ट्रेजिडी है वो ये है कि यहाँ पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग जो है वो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स के पास है ही नहीं। पॉलिसीज़ वो लोग बनाते हैं जिनका उस सेक्टर से कोई तल्लक नहीं होता। जो उस वक़्त के पावर सेक्टर के एक्सपर्ट थे, मेरे पास इस चीज़ का बहुत सा रिकॉर्ड है कि उन्होंने उस वक़्त भी इस पे आवाज़ उठाई थी कि ऐसा ना करें, इसको बैलेंस रखें। आप थारकोल पर आए, थारकोल से जनरेशन हो गई है, तो आज से 10 साल पहले क्यों नहीं हो सकती थी थारकोल से जनरेशन? आप डैम्स पे बन रहे हैं, हमने उस वक्त डैम्स को क्यों कंट्रोवर्शियल कर दिया? तो ये जब तक आप रेलेवेंट प्रोफेशनल्स को उनका काम नहीं करने देंगे, उनको पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग नहीं देंगे, उस वक्त तक हालात सिर्फ मीटिंग्स करने से ठीक नहीं होंगे। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।